नमस्कार, स्वागत है आपका फास्ट न्यूज इंडिया के इस बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं स्वाति, और आइए रुक करते हैं आज के तमाम बड़ी खबरों की ओर। सबसे पहले खबर जम्मू एंड कश्मीर से आ रही है। जम्मू एंड कश्मीर से बड़ी और अहम खबर, जम्मू एंड कश्मीर के राजौरी जिला के अंतर्गत उप जिला सुंदरबनी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सुंदरबनी में पाकिस्तान के खिलाफ जमकर किया प्रदर्शन। ये बड़ी खबर, पाकिस्तान के कायरो ने एक बार फिर किया नापाक हरकत, कश्मीर में आतंकवादी हमले किए। देखिए सुंदरबनी से संजीव शर्मा की रिपोर्ट। सुंदरबनी में आज सुंदरबनी के एक बीजेपी ऑफिस में एक मीटिंग रखी गई, तो क्या कहेंगे राकेश जी, जो आतंकवादियों द्वारा बीजेपी का एक जो सदस्य और उसकी फैमिली के सदस्य जो मारे गए, उस पर क्या संदेश देना चाहेंगे आप, और क्या कहेंगे इन सब पर कि आगे की कार्रवाई कैसे की जाए? देखिए कश्मीर घाटी के अंदर पाकिस्तान के कायरो ने एक बार फिर अपनी कायरता दिखाई है। भारतीय जनता पार्टी का एक युवा नेता और हिंदुस्तान का टाइगर जिसे कहा जाता है, उसकी, उसके पिता की और उसके भाई की जब हत्या कर दी गई, तो एक बहुत ही शर्मनाक वाकया कश्मीर घाटी के अंदर हुआ है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं और भारतीय रेस्पेक्टिव सेना से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द उन दरिंदों को ढूंढ निकाला जाए जिन्होंने इस हत्या को अंजाम दिया है, और उन्हें गोलियों से रोक दिया जाए। सभी कश्मीर के भाइयों बहनों से ये आग्रह करना चाहता हूं कि सब लोग एक साथ जुट होके, आज भारतीय जनता पार्टी के एक युवा नेता की हत्या हुई है, कल किसी और का भी नंबर आ सकता है, इसलिए सब लोग इकट्ठे होके भारतीय सेना का साथ दें, ताकि घाटी के अंदर से जल्द इन दरिंदों को मार गिराया जाए। और भारतीय जनता पार्टी इसकी कड़ी निंदा करती है, और कश्मीर में शांति लाने का पूरा प्रयास किया जाए, इसलिए भारतीय सेना और वहां के लोग मिलकर काम करें। जय हिंद, जय भारत। उत्तराखंड के उद्धम सिंह नगर जिला के बाजपुर थाना अंतर्गत ग्राम चकरपुर निवासी एक युवक इलाज के लिए दिल्ली गया था, और जिसकी बीते दिनों रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कोरोना मरीज के परिवार के 15 सदस्यों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे थे, जिसमें 7 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। तो मौके पर पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम की एक बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां मरीजों को लेकर जाने वाली सरकारी एम्बुलेंस में मरीजों की जगह उनके कपड़ों को भरा गया और मरीजों को निजी वाहन में बैठाकर लेकर जाया गया। तो जब मीडिया ने इस मामले को लेकर सवाल उठाया, तो स्वास्थ्य विभाग की टीम ने तत्काल निजी वाहन से मरीजों को निकालकर एम्बुलेंस में बैठा दिया और उन्हें रुद्रपुर कोविड केयर सेंटर में ले गए, जहां बाजपुर के उपजिलाधिकारी एपी वाजपेयी ने बताया कि मीडिया द्वारा मामले को अवगत कराया गया है, जिसकी जानकारी CMS से बाजपुर से लेकर दोषी पाए जाने पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये बाजपुर से मोहम्मद शहीद की रिपोर्ट। 7 मरीज बताए थे, तो उसकी क्षमता कम है ना, 7 लोग बैठ नहीं पाएंगे या फिर 2 चक्कर में जाएंगे। एम्बुलेंस में उनके जो वहाँ रहने के लिए कपड़े हैं, वो होटल में रहेंगे 10-12 दिन, वो उसके यूज के कपड़े हैं तमाम। आदेश के मैंने तो यहाँ का देखा, ये लोग बैठे थे अपनी गाड़ी में, उनकी गाड़ी में कपड़ों की जगह नहीं होगी तो उनके कपड़े रख दो उसमें, वो लोग तो बैठ गए थे ना, तो वहाँ तो अपनी गाड़ी में मरीज भी जाएगा, उसका सामान भी जाएगा साथ में को जो है खाली। नहीं, ये मामला आपने हमारे संज्ञान में लाया है, इसके बारे में मैं चिकित्सा अधीक्षक जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के हैं उनसे इस बारे में जानकारी ली जाएगी, अगर कहीं पर भी ऐसी गलती हुई है तो उसमें कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिला के बाजपुर शहर में स्थानीय प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर में रह रहा विदेश से आया भारतीय निवासी युवक नियमों को तोड़ता हुआ दिखाई दिया। युवक क्वारंटाइन सेंटर से अपने 7 दिन के क्वारंटाइन की समय सीमा को पूरा न करते हुए अपने घर पहुंच गया, जहां उसके परिवार के 7 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए थे। स्थानीय प्रशासन की लापरवाही वहां सामने आई, जब क्वारंटीन सेंटर से भागा हुआ युवक पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम के लगातार संपर्क में रहा। हद तो तब हुई जब बाजपुर के चकरपुर में 7 कोरोना संक्रमित मरीजों को एम्बुलेंस की जगह क्वारंटीन हुआ युवक अपने ही वाहन में लेकर जाने लगा। जब मामले की शिकायत पुलिस से की गई, तो CO दीप शिखा अग्रवाल ने तत्काल क्वारंटाइन हुए युवक को क्वारंटाइन सेंटर में भेजने के निर्देश दिए। आरोपी युवक के खिलाफ लॉकडाउन का उल्लंघन सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। देखिए बाजपुर से मोहम्मद शहीद की रिपोर्ट। आज ये बात हमारे नोटिस में आई है कि एक व्यक्ति जो कि विदेश से आया था, वो 7 दिन के लिए पेड क्वारंटीन में उसको रखा गया था, किंतु 6ठे दिन उसने इस क्वारंटीन का उल्लंघन किया, उस व्यक्ति को लाकर उस पर लॉकडाउन के उल्लंघन का और इस तरीके से बाहर जाने का, क्वारंटीन को तोड़ने का, उस पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी, जांच की जाएगी। इधर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से बड़ी खबर,
सोनभद्र जिला के रॉबर्ट्सगंज ब्लॉक के कोलान बस्ती में गरीब आदिवासियों जरूरतमंदों को राशन देने का काम किया गया। जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष रामराज सिंह गौड के नेतृत्व में लोगों को राशन देने का काम किया गया। जिला अध्यक्ष रामराज सिंह गौड ने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी उत्तर प्रदेश प्रियंका गांधी द्वारा जिले में 400 क्विंटल अनाज भिजवाया गया है, जिसके पीछे प्रमुख उद्देश्य रहा है कि सोनभद्र का कोई भी गरीब आदिवासी मजदूर दलित भूखा न रहे। इस कोरोना जैसी महामारी में हर व्यक्ति को दोनों वक्त का भोजन कम से कम जरूर मिलना चाहिए। इसी को लेते हुए आज राशन बांटने का काम यहां किया गया। मुख्य रूप से उपस्थित रहने वालों में अरविंद सिंह नामवर कुशवाहा, कमलेश ओझा विधानसभा यूथ कांग्रेस रॉबर्ट्सगंज, अध्यक्ष श्रीकांत मिश्रा घोरावल विधानसभा युवा कांग्रेस, महासचिव हरिशंकर गौड, जयप्रकाश कोल, रामविलास पनिका, हरिशंकर कुमार रहे। देखिए सोनभद्र से अशोक कुमार चौबे की रिपोर्ट। आप लोग यहाँ पे राशन बांट रहे थे, क्या मामला है? हम लोग जो आज यहाँ पे हमारे देश की अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी उत्तर प्रदेश माननीय प्रियंका गांधी द्वारा जो है पूरे प्रदेश के अंदर जो है राशन गरीबों को जो असहाय हैं, जिनको ज़रूरतमंद हैं, हमारे जो दलित हैं, हमारे जो आदिवासी हैं, सारे लोगों को राशन पहुंचाने का काम जो है हो रहा है कि ताकि कोई हमारा परिवार गरीब परिवार भूखा न सोए, उसी को लेकर अभियान चल रहा है। उसी में हम लोगों ने जिला कांग्रेस कमेटी ने यूथ कांग्रेस ने यहाँ मिलकर राशन बांटने का काम किया है इस कुलान बस्ती में रावण में, और उसी को लेकर हम लोग यहाँ आए थे। मैं भारतीय युवा कांग्रेस का जिला अध्यक्ष हूँ, आशुतोष कुमार दुबे मेरा नाम है। हम लोग का यह अभियान चल रहा है और पूरे जिले में विधानसभा वाइज ब्लॉक वाइज जो है यह कार्यक्रम जो हो रहा है, लिस्ट बन रही है सारे लोगों को जो है, जो भी लोग असज्ञान में आ रहे हैं, जो भी रिक्वायरमेंट है, जिनको पास भी भोजन नहीं है, जो भी जिनको चाहिए, वो काम अभियान चल रहा है। हम लोग जो है 40 बनाए तो उनके पास तक भोजन पहुँचाने का काम कर रहा है, मतलब ये राशन पहुँचाने का काम कर रहा है, ताकि कोई भी हमारा जो है गरीब साथी, हमारा जरूरतमंद साथी भूखा न सो पाए, इसी अभियान को लेकर हम लोग आज यहाँ आए थे। और जो आज हम लोगों ने 100 लोगों को करीब यहाँ राशन बांटा है, इसी को लेकर आगे लगातार प्रोग्राम चल रहा है पूरे विधानसभा में। जाकर खबर यूपी के कासगंज जिले से है। यूपी के कासगंज जिले में अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा के युवा जिलाध्यक्ष सुखवीर सिंह पोडीर एडवोकेट ने भारत सरकार के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 70वां जन्मदिन मनाया। तो जिलाध्यक्ष प्रेमवीर सिंह गुरहार ने राजनाथ सिंह के चित्र पर रोरी चंदन से तिलक कर केक काटा। सहयोग में शेष पोडीर जिलाध्यक्ष व्यापार प्रकोष्ठ रहे। प्रेमवीर सिंह गुरहार एडवोकेट ने जीवन परिचय पर प्रकाश डाला। वह कहा कि भारत की राजनीति में एकमात्र शीर्ष नेता है जिन्हें अपनी सभी देशवासी व अन्य पार्टी के राजनेता पूर्ण सम्मान देते हैं। उपस्थित पदाधिकारी रोरन सिंह पुडीर, जिलाध्यक्ष किसान मोर्चा ओम पाल परमार, विष्णु ठाकुर, रविन्द्र ठाकुर, अमन ठाकुर, अनुरुद्र प्रताप सिंह चौहान, शिवम वैभव चौहान, सुमित पुडीर, यादराम राम कैलाश पुडीर, कौशल गुरहार, कौशल संतोष ने जन्मदिन मनाकर बहुत बहुत बधाई दी। कासगंज से संजय सिंह की रिपोर्ट। और आपका सब नाम? सुखवीर सिंह, मंदिर एडवोकेट। आज आपने क्या किया है? आज हमने अखिल भारतीय छत्री महासभा कासगंज के जिलाध्यक्ष प्रेमवीर सिंह गोरार एडवोकेट के साथ और अपनी टीम के साथ अपने छत्री योद्धा छत्री वीर ताकि जो सरकार को ऊपर से नीचे से ऊपर तक भारतीय जनता पार्टी को ले जाने वाले श्रीमान राजनाथ सिंह जो अभी रक्षा मंत्री हैं, पूर्व में 2 बार हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उनका जन्मदिन मनाया है। और हम सभी टीम के पदाधिकारियों ने उन्हें बहुत बहुत बधाई और दीर्घायु की कामना की है। और आज हमारे योगी सरकार ने प्रदेश में, पूरे प्रदेश में जो हमारा संक्रमित चल रहा है कोरोना, उसके लिए उत्तर प्रदेश में जो संक्रमित बढ़ता जा रहा है उसको कम करने के लिए आज रात 10 बजे से जी 13 तारीख सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन किया है पूरे प्रदेश को। उसमें हम सभी जनता जनार्दन पूरा सहयोग करेंगे और योगी जी के जो आदेश होगा उसका पालन करेंगे। अगर आगे भी लॉकडाउन घोषित करते हैं तो उसका भी स्वागत किया जाएगा पूरे प्रदेश में। पूरा प्रदेश योगी जी के साथ है और जनता उनके साथ है और हमारा जो भारत देश है उसको योगी जी और मोदी जी लॉकडाउन करने से हमारे जो संक्रमित
संख्या है अन्य देशों से बहुत कम है और काफ़ी राहत मिल रही है। मृत्यु दर बहुत कम है हमारे देश की और काफ़ी प्रयास किया जा रहा है सरकार द्वारा, केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार द्वारा। और हम चाहेंगे कि जो प्रदेश सरकार है और केंद्र सरकार है तो उसके द्वारा जो सहयोग किया जा रहा है दवा द्वारा, मेडिकल व्यवस्थाएं द्वारा और राशन वितरण द्वारा, जो जो व्यवस्थाएं हो रही हैं, सिलेंडर अब 3 महीने के लिए और फ्री कर दिया है जी, तो इससे हमारे और राशन भी फ्री कर दिया है तो हमारी जनता को काफ़ी फायदा होगा और सहयोग मिलेगा। और जो बाहर से लोग आए हैं उनको गांव में रहने पर बहुत ज़्यादा राहत मिल रही है और कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही है लॉकडाउन से जी। और सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त हैं और इतना। और कासगंज में, आपके जिला कासगंज में और नगर कासगंज में आपको ऐसा लग रहा है प्रशासन पूरी तरह साथ दे रहा है जी? और प्रशासन साथ दे रहा है, उसके साथ साथ आपकी जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो भी सचल रूप से कार्य कर रही हैं? बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं हमारे DM साहब, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक, जो टीम है दोनों की, उन्होंने आज हमारे ज़िला को बहुत अच्छे तरीके से कवर कर रखा है। जहाँ कहीं घटना घटित होती है वहाँ वो वहीं पर कैप्चर कर लेते हैं और हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं और अधिकारी हैं वो काफ़ी प्रयासरत हैं और अच्छे तरीके से हमें इस संक्रमित से रोकथाम की जा रही है, COVID-19 संक्रमित से रोकथाम की जा रही है। बहुत और काफ़ी सहयोग मिल रहा है। ठीक ठीक ठीक, धन्यवाद। मैं संजय सिंह, फास्ट न्यूज इंडिया, कासगंज। तेथे भी के समाचार, आगे कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद।